आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक तरफ जहां राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता के निधन के बाद से चारों तरफ जो है मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के अचानक मौत से चारों तरफ जो है वो मातम पसर गया। उनके परिवारजन जो है वो ये तक नहीं समझ पाए कि आखिरकार हुआ क्या। थोड़े ही पल पहले सोनाली फोगाट जो है वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन थोड़ी ही अंतराल के बाद में उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और अचानक उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद से उनके परिवार सहित बीजेपी के तमाम नेता जो है वो इस समय सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर के साथ मौजूद है। आज सोनाली फोगाट के संपत्ति को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हम सुबह से लेकर के तमाम खबरें जो हैं आप तक पहुंचा रहे थे सोनाली फोगाट को लेकर के, लेकिन अब यहाँ पर जो है उनकी संपत्ति को लेकर के खुलासा करेंगे कि आखिरकार कितनी संपत्ति जो है इस वक्त उनके पास मौजूद है और वो संपत्ति आने वाले समय में उनके परिवार में किसका हक, किसके हक में आएगा। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टिकटॉक स्टार से भाजपा की नेता बनी सोनाली फोगाट की गोवा में हृदयाघात के कारण मौत हो गया। सोनाली फोगाट ने साल 2019 में भाजपा के टिकट से आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इसके अलावा वो टिकटॉक वीडियो के कारण भी चर्चा में रहती थी। सोनाली फोगाट बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं। सोनाली फोगाट का जन्म हरियाणा के हिसार में सितंबर 1989 को हुआ था। उन्होंने हिसारा के ही विद्या देवी जिंदल स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी की। सोनाली फोगाट के पति का निधन कुछ साल पहले ही हो चुका है। उसके बाद से वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। उन्होंने टिकटॉक वीडियो के जरिए करोड़ों की कमाई की। हिसार में रहने सोनाली फोगाट की कमाई, घर, गाड़ी और कुल संपत्ति के बारे में चलिए जानते हैं। यहाँ पर बता दें कि भाजपा नेता सोनाली फोगाट अपने पीछे बहुत सारी संपत्ति छोड़ गई हैं। सोनाली फोगाट साल 2006 में दूरदर्शन के एक हरियाणवी टीवी कार्यक्रम में नजर आई थी। उसके बाद से उन्हें बतौर एंकर अपने करियर की शुरुआत की। साल 2016 में एक टीवी कार्यक्रम से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। सोनाली फोगाट के पति संजय फोगाट भाजपा के नेता थे। संदिग्ध परिस्थितियों में पति की मौत के बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। बाद में वो भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बनी। टिकटॉक वीडियो के जरिए भी उनकी पहचान बनी। बिग बॉस 14 की सीरीज में नजर आई। वहीं साल 2019 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा। इसके अलावा सोनाली फोगाट वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं। हिसार में जन्मी सोनाली फोगाट अपनी बेटी के साथ हिसार के संत नगर में रहती हैं। यहां उनका शानदार घर है। सोनाली फोगाट के पास एक फ्लैट और एक प्लॉट भी है। नोएडा के सेक्टर 52 में सोनाली का फ्लैट है, जबकि हिसार के गांव गंगवा में 170 गज का प्लॉट है। इसके अलावा सोनाली के पास काले रंग की महिंद्रा XUV कार भी है। चुनाव शपथ पत्र में सोनाली फोगाट के व्यवसाय में एक्टिंग और कृषि बताया था। जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगाट एक फिल्म के लिए 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करती थी। वहीं बिग बॉस के प्रति एपिसोड उन्होंने 80,000 रुपए वसूले थे। भाजपा नेता सोनाली फोगाट करोड़ों की संपत्ति की मालकिन थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाली 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन थी। साल 2019 चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए अपने शपथ पत्र में सोनाली फोगाट ने खुद की 25,61,000 रुपए की चल और 2,48,50,000 रुपए की अचल संपत्ति बताई थी, जिसके बाद से हलचल काफ़ी तेज हो गया था कि आखिरकार सोनाली फोगाट के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। जिसके बाद उनके ऊपर कई सारे सवाल भी उठे थे कि आखिरकार आपके ऊपर जो ये संपत्ति का पहाड़ है वो कहां से आया, और अगर ये संपत्ति का पहाड़ पहले से ही था तो क्या वजह थी। इसके बाद जब वो चुनाव हार गईं तो फिर उसके बाद सवाल उठने लग गए कि आप जो हैं वो अच्छी नेता नहीं हैं,
जिसके बाद भी कई सारे सवाल सोनाली फोगाट की पिच जिसके बाद भी सोनाली फोगाट के ऊपर कई सारे सवाल उठने लग गए। सोनाली फोगाट लगातार अपने सुर्खियों में बनी रहती थी, एक के बाद एक कई सारे ऐसे मुद्दे जो हैं वो उनके सामने आया करते थे जिसके बाद वो चर्चा में बनी रहती थी। बावजूद इसके देखा यही गया कि जब सोनाली फोगाट को मौका मिला यहाँ पर बतौर अभिनेत्री या फिर एंकर या इसके अलावा कह लें कि नेता के रूप में कार्य करने का, तो सोनाली फोगाट कभी भी पीछे नहीं हटी। हर बार अपने एक नए रंग रूप के साथ में वो चुनावी मैदान में यहाँ पर एंकरिंग के दौर में और वहाँ अभिनेताओं के बीच में भी नज़र आई। भाजपा नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट का सोमवार रात गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं के साथ वो गोवा में थी। मौत से कुछ समय पहले सोनाली फोगाट ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था, साथ ही उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदली थी। स्थानीय प्रशासन उनकी मौत की वजह की पुष्टि करने में जुटा है। सोनाली फोगाट की रियलिटी शो बिग बॉस 14 के हिस्से के दौरान उन्होंने कई सारे खुलासे अपने ज़िंदगी को लेकर के भी किए थे। उन्होंने कहा था कि उनके पति के मौत के बाद उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लेकर के एक शख्स आया था, कुछ कारणों की वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। वैसे सोनाली ने उस शख्स का नाम उजागर नहीं किया था। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनाली फोगाट ने जब चुनाव लड़ा तो वो हार गई। उन्हें कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने हराया था। अब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं और इस सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने सोनाली फोगाट ने भी अपनी दावेदारी की थी। कुलदीप बिश्नोई को लेकर के भी उन्होंने कई सारे खुलासे किए थे। आपको बता दें कि राजनीतिक करियर में दमखम दिखाना उन्होंने काफ़ी समय से शुरू किया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मिल रही हार के बाद अभिनेत्री ने अपना दिल जो है वो हल्का कर लिया और वहाँ से बैकफुट पर धीरे धीरे आती हुई नज़र आई। सोनाली टिकटॉक स्टार के साथ अभिनेत्री भी थी और कई म्यूज़िक एल्बम में भी नज़र आ चुकी थी। उनकी इकलौती बेटी है यशोधरा। यशोधरा को लेकर के तमाम चर्चाएँ चलती रहती हैं और अब माना यही जा रहा है कि जितनी भी संपत्ति सोनाली फोगाट के नाम पर थी वो सभी संपत्ति अब यशोधरा के नाम पर होगी। सोनाली फोगाट को लेकर के उनके संपत्ति पर और उनके परिवार पर हुए इस बड़े खुलासे के बाद से चारों तरफ जो गहमा गहमी का माहौल है वो और ज़्यादा बढ़ कर के सामने आ रहा है। और इसी गहमा गहमी के बीच में एक बात तो बिल्कुल तय है कि सोनाली फोगाट को आखिरकार क्या अचानक से ऐसा हो गया या फिर उन्होंने क्या सुन लिया जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया। गोवा में वो मौजूद थी, वहाँ पहुँची थी, लेकिन उसके बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद से उनके आकस्मिक जो है मौत हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टरों की तरफ से अभी तक यही बताया गया है। फिलहाल अभी भी कई सारे अपडेट्स जो है वो आने बाकी हैं। हम आप तक सारे अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 News।